गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रैग रेस लाने वाले हैं, दो कम्प्लीटली डिफरेंट कार्स लेकिन सिस्टर कंपनीज के बीच में। तो एक तरफ है हमारे पास वोक्सवैगन, एक तरफ है हमारे पास स्कोडा। तो वोक्सवैगन की हमारे पास वेंटो जो कि एंट्री लेवल सेडान है, हाँ ऐसे पुट कर सकते हो, एंट्री लेवल सेडान है। वेयर एज स्कोडा सुपर्ब जो VW और स्कोडा की दोनों को ही मिला के डी सेगमेंट सेडान वो सुपर्ब है। तो मतलब ये है सी सेगमेंट सेडान, ये है अपर डी सेगमेंट सेडान। तो ये आज दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट कार्स की हम ड्रैग रेस करने वाले हैं। इसकी बात करें तो इसमें आता है अपना 1 लीटर TSI जो कि प्रोड्यूस करता है 110 हॉर्स पावर, 175 Nm का टॉर्क। वेयरएस इसकी बात करें तो इसमें आता है 2 लीटर TDI जो प्रोड्यूस करता है 175 हॉर्स पावर, 350 Nm का टॉर्क। अब पावर इसकी सुपर्ब की 65 हॉर्स पावर ज़्यादा है वेंटो से, और अगर टॉर्क की बात करें तो लिटरली डबल है 175 350 Nm। और दूसरी बात ये है DSG DQ 250, तो इसमें वो लैग भी नहीं आएगा, ये मैनुअल है, ये DQ 250 इसमें लॉन्च कंट्रोल आता है तो इसमें लैग भी नहीं आता। तो वो एडवांटेज भी जो है वेंटो का जो वर्टुस के अगेंस्ट होता है वो नहीं है यहाँ पर। और एक जो एडवांटेज वेंटो के पास है वो ये है कि इसका वेट है 1150 किलो, इसका वेट है 1550 किलो, तो 400 किलो भारी है वेंटो से कंपैरिजन में सुपर्ब। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। एक एडवांटेज और ये है कि वो है टर्बो पेट्रोल और वो है अपना डीजल। तो टर्बो पेट्रोल और डीजल में फ़र्क ये होता है कि टर्बो पेट्रोल का टॉर्क बैंड ज़्यादा होता है, तो ये 6500 RPM पे इसकी पावर ख़त्म होती है, वेयर इसकी 4.5 खत्म हो जाती है। तो ये एक एडवांटेज है वेंटो के पास। और मैनुअल है तो थोड़ा सा पावर एक्सट्रैक्ट ज़्यादा अच्छे से होगी, बाकी तो ऑलमोस्ट मतलब पावर टू वेट रेशो भी उसका ज़्यादा है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि अगर हम इन दो कम्प्लीटली डिफरेंट सेडान, सेम कंपनी की कम्प्लीटली डिफरेंट सेडान्स की रेस करें तो फ़र्क कितना है। मतलब 1 लीटर TSI वाली वेंटो फास्टेस्ट वेंटो थी खासकर मैनुअल में जो आज तक बनी है। वेरा सुपर्ब जो है वो अपनी मतलब डीजल में फास्टेस्ट वेरिएंट यही था, इससे पहले 140 bhp का ट्यून भी आता था, लेकिन सबसे फास्टेस्ट जो डीजल में आया है ट्यून वो यही है 175 bhp 350 Nm का टॉर्क। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रैग रेस आने वाली है। शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड और देखते हैं आ चुके हैं हम अपनी, और इसमें हमने AC ऑफ कर दी है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता नहीं, फुल पावर प्रोड्यूस करेगी, अपना कोई मोड भी नहीं आता, पूरी फुल पावर प्रोड्यूस करने वाली है ये। वेयरएस उसका क्या है वो है अपने मैनुअल मोड पे, और उसका जो है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ रहेगा, AC ऑफ रहेगा। उसमें 3 बंदे हैं वेयरएस हमारी में 2 बंदे हैं। तो ये एक एडवांटेज हमने दे दिया है वेंटो को, और एक एडवांटेज और फॉर नाउ दे रहे हैं कि इसका जो है DQ 250 का लॉन्च कंट्रोल अभी यूज़ नहीं कर रहे, नॉर्मल उठाएंगे और इसको तो अपना ये लॉन्च ही होगी, क्योंकि अगर ये बिना लॉन्च कंट्रोल यूज़ किए ही जीत जाती है तो फिर तो वैसे भी कोई सेंस बनता नहीं। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि अगर बिना लॉन्च कंट्रोल के करे तो वेंटो कितनी देर तक स्टैंड करती है, और फिर बाद में लॉन्च कंट्रोल भी यूज़ कर लेंगे। तो यही स्पेसिफिकेशन था फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं। ये भाई लॉन्च कंट्रोल यूज़ कर दिया, सुपर्ब का लॉन्च कंट्रोल यूज़ हुआ है भाई, सुपर्ब का लॉन्च कंट्रोल यूज़ हुआ है, लेकिन भाई फिर भी अच्छी फाइट दे रही है वेंटो। और भाई अब सुपर्ब जा रही है आगे, एक गाड़ी का गैप बना है और अभी तो जा रही है भाई, लेकिन लॉन्च कंट्रोल ज़्यादा गैप नहीं बन पा रहा, नहीं बन रहा भाई ज़्यादा गैप। ब्रेक ले लिया भाई, ब्रेक ले लिया, ज़्यादा गैप नहीं बना, बट भाई लॉन्च कंट्रोल यूज़ कर दिया। अब अगले राउंड में हम लॉन्च कंट्रोल नहीं यूज़ करेंगे, इसका इसको ब्रेक बूस्ट नहीं करेंगे, हमने पहले इसको ब्रेक बूस्ट कर दिया, इसका लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया, अब नहीं होगा। अब देखते हैं बिना लॉन्च कंट्रोल यूज किए ये कैसे भागती है, मतलब कैसा रहता है सीन। तो शुरू करते हैं अपना सेकंड भाई निकली इनिशियल में, भाई जब उन्होंने लॉन्च कंट्रोल नहीं यूज किया तो इनिशियल में देखो भाई गैप बना रही है यार अपनी, तो नहीं आ पा रही भाई सुपर्ब, नहीं आ पा रही, अब आ रही है हल्का हल्का सा आ रही है, हल्का हल्का, नहीं आ पा रही, नहीं आ पा रही भाई, नहीं आ पा रही, नहीं कर पा रही भाई सुपर्ब की ब्रेक, नहीं आ पाई भाई। मैंने बोला था ना आपको वो इनिशियल का जो लॉन्च कंट्रोल है ना सुपर्ब में वो बहुत बड़ा डिफरेंस मेकर है, वरना नहीं आ सकती सुपर्ब, रील करना बहुत मुश्किल है वेंटो को। तो यही था, बिना लॉन्च कंट्रोल यूज करें मोस्ट प्रोबब्ली वेंटो ही जीतेगी। अब करते हैं अपना एक राउंड और अब करने वाले हैं जिसमें इसमें हम लॉन्च नहीं करेंगे इसको, इसका ब्रेक बूस्ट भी नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल रेस से उठाएंगे सुपर्ब को। ओके अभी तो चलो इस राउंड में तो विनर वेंटो रहती है, लेकिन अब देखते हैं इसमें इसका ब्रेक बूस्ट भी नहीं करेंगे, लॉन्च कंट्रोल भी नहीं यूज करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है और फिर देख जो अभी बना रहा है वो। तो भाई शुरू करते हैं अपना थर्ड राउंड शुरू, चलो मतलब भाई ये देखो इनिशियल में वो जो उसका लैग होता है वो, और अब तो भाई अभी तो नहीं आ रही, अब आई भाई थर्ड में आई, ये निकली है 120 पे बिल्कुल साथ में, हल्का हल्का निकल रही है, देखो बिल्कुल हल्का हल्का निकल रही है, ये निकली
150 और अब निकली है, थोड़ा सा आगे ब्रेक ले लो, ब्रेक ले ली भाई हमने। भाई तो मतलब देखा जाए तो जिस हिसाब से पावर फिगर्स में इतना फर्क है, उस हिसाब से इतना मतलब रिजल्ट वैरी नहीं कर रहा, काफी टक्कर दे रही है वेंटो अगर हम उसका लॉन्च कंट्रोल यूज ना करें, और फिर भी वो फेयरली वेल लॉन्च हो रही है बिकॉज उसमें DQ200 वाला लैग तो आता ही नहीं। तो भाई यही था अपना थर्ड राउंड, अब करते हैं अब हम लास्ट राउंड करने वाले और इसमें लॉन्च कंट्रोल यूज करेंगे हम अपना सुपर्ब का, और देखते हैं क्या सीन रहता है लॉन्च कंट्रोल यूज करने बाद कैसा डिफरेंस आएगा, बिकॉज बिना लॉन्च के तो अपनी वेंटो 120 तक आगे रहती है और फिर उसके बाद सुपर्ब रील करती है ऐसे, इसका थर्ड गियर जैसे लगता है, उसका थर्ड ज्यादा स्ट्रांग है फिर अब देखते हैं। और इसमें अब हमने दो बंदे कर दिए, पहले तीन बंदे थे सुपर्ब में जैसे मैंने आपको बताया था, अब दोनों में दो बंदे हैं और उसका लॉन्च कंट्रोल भी यूज होगा, तो भाई देखते हैं क्या रहता है, कुछ वेरिफिकेशन आती है नहीं देखते हैं। ये निकली भाई इनिशियल में निकली, और भाई गियर शिफ्ट जैसी होता है ना तो वो एडवांटेज उसको DQ200 का मिलता है, तो भाई ये गई भाई, अब तो गई, अब गई भाई, मतलब दो गाड़ी का गैप है अब तो, हाँ भाई अब निकल गई, अब काफी आगे निकल गई, मतलब गैप बन गया, फेयरली गैप बन गया, मतलब अगर फुल पोटेंशियल ट्राई करें ना दोनों गाड़ियों की, उसका लॉन्च कंट्रोल और उसमें भी दो बंदे और इसमें भी दो बंदे, तो भाई वो दो गाड़ी के गैप से जीत जाती है सुपर्ब, लेकिन फेयरली फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है वेंटो देखा जाए तो, बिकॉज पावर स्पेसिफिकेशन डिफरेंस देखो, और ये भी देखो कि उसमें DQ250 लॉन्च कंट्रोल आता है और DSG भी आते हैं, मैनुअल है, तो उस हिसाब से तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है वेंटो। बाकी अब ड्राइव को खत्म करते हैं, आपने देख लिया अगर फुल पोटेंशियल दोनों की ट्राई करें तो भाई सुपर्ब अच्छे से दो ढाई गाड़ी के गैप से हरा देती है वेंटो को। इनिशियल में वेंटो थोड़ा साथ रहती है, लेकिन 80 के बाद जो सुपर्ब निकलती है वो बहुत बढ़िया निकलती है। अगर हमने DQ250 को लॉन्च नहीं किया, नॉर्मल से उठाया, तो एक राउंड में अपनी वेंटो जीत गई थी जिसमें हमने एडवांटेज दे रखा था सुपर्ब में तीन बंदे थे, लेकिन अगर दो बंदे हो तो सुपर्ब फिर वेंटो को 120 के बाद क्रॉस कर जाती है अगर हम उसको DQ250 को लॉन्च भी ना करें तो मेरे हिसाब से अच्छी टक्कर दी है वेंटो ने, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेकार परफॉर्म किया, अपने हिसाब से अच्छी है वो 1 लीटर वो 2 लीटर TDI है और फिर वो इतना पावरफुल DQ250 के साथ आता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ऐसी बड़े से वीडियो के लिए अभी के लिए बाय।